हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुंदर में आप लोगों का स्वागत है। आज ये संडे एक शॉर्ट रोड ट्रिप होने वाला है अहमदनगर को। सलबत खान पैलेस से एक जगह है वहाँ पर अच्छी देखने जैसी, देखते हैं वहीं पे जाके कैसा एक्सप्लोर करते हैं उसको और रोड के नज़ारे भी देते हैं आपको। हमारे साथ में मलिक भाई, मुस्तकिम भाई। चलिए, सुबह के बज रहे 8:70 हो गए, ट्रिप ए को जीरो कर देते। हम घर से निकल चुके हैं, ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर दे। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, देखते हैं कहीं पे अगर अच्छा मिलता है तो, या फिर अहमदनगर में जाके करेंगे। अहमदनगर एक अच्छा सिटी है एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम करने वाले हैं सलबत खान पैलेस को एक्सप्लोर, तो एंजॉय कीजिएगा व्यूज। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट फ्यूल स्टॉप फ्रेंड्स, थार वे परफॉर्मिंग वेरी वेल। मज़ा आ ड्राइव करने के लिए, सनी डे है, अच्छा मौसम है। ये फर्स्ट फ्यूल स्टॉप लिया था हमने, वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगा इसमें अच्छे से। देखते हैं अभी जैसे जैसे रोड मिलता है वैसे वैसे एक्सप्लोर करते हैं। मज़ा आ रहा है काफ़ी अच्छा, भी वेदर भी अच्छा है, थोड़ा ह्यूमिड है, थोड़ा हीट है, अगर चल जाएगा अच्छा लग रहा है। गाड़ी तो मैंने कल ही वॉश कर लिया था तो एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप कहीं पे जा रहे हो औरंगाबाद से पुणे या अहमदनगर, तो ये फ्यूल स्टेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए भी ये मिल जाएगा और वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लियर रहते हैं, हाइजीनिक है, अच्छा है। राजपूत रेस्टोरेंट है, जिसको वेज खाना है वो अच्छे से आके यहाँ पे खाना भी खा सकता है और वेज भी मिल जाएंगे। वी ऑलमोस्ट कवर 33 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद, 71 किलोमीटर रिमेन रह गया है। देखते हैं अभी ETA कितना बता रहा है अपना, मतलब 1.5 घंटे का कुछ ETA बता रहा है अभी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अगर कुछ रुकते हैं वॉशरूम वगैरह ब्रेक के लिए तो टाइम बढ़ जाएगा। नज़ारे बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, अच्छा ट्रिप है। मैं बहुत स्लो गाड़ी चला रहा हूँ, 80-90 पे क्रूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं चला पाते गाड़ी, 2G स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। नहीं नहीं oh, 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 oh.
वी ऑलमोस्ट रीच अहमदनगर. ऑलमोस्ट क्या मतलब, पहुंच ही गए अहमदनगर को. 10:40 हो गए. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, कितना आ गए हमको, कुछ 110 किलोमीटर है औरंगाबाद से. इसमें तो बता नहीं रहा अभी कहाँ चले गए. ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हैं. देखते हैं वहाँ पे, अगर रश नहीं होगा तो वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे. एक अच्छा स्पॉट है हमारा जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं अहमदनगर में. वहाँ पे चाय भी बढ़िया मिलती है, चाय की चुस्की भी मार लेंगे और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे. उस तक ही भाई तो कुछ करने वाले ही नहीं ब्रेकफास्ट. चाय की चुस्की मन मस्का करते, दिखते कैसा. ब्रेक पटका भी नहीं लिया मन बेटे, पूरी भाजी का. और ब्रेकफास्ट हो गया, अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ. देखते हैं अभी एक प्लान क्या है. कहाँ पे जाना है अपने? सलबत खान फोर्ट जाना है अभी. ब्रेकफास्ट वॉज गुड. हमने पूरी भाजी खाया और एक चाय लिया था और एक बन मस्का, बहुत बढ़िया था. दोनों भी अच्छा था. 246 रुपीस बिल आया तीन लोगों के लिए, मतलब डिसेंट इनफ है. आप आके यहाँ पे खा सकते हो, बहुत बढ़िया होटल है. यहाँ के लिए और ट्रैफिक भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया है. मगर काम काफी सालों से चल रहा है, मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ इसको. ऑलमोस्ट 4-5 साल तो हो गए इसको, अभी तक तो कुछ काम कम्प्लीट हुआ नहीं इसका. मगर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे से बन रहा है. सलबत खान टॉम्ब जाने के लिए हमको यहाँ से एक लेफ्ट लेना होगा. ये स्ट्रेट रोड जाता है पुणे के लिए, आपको यहाँ से लेफ्ट लेना होगा. छोटा सा एक नैरो सा रोड आएगा यहाँ से. ये सिंगल लेन हाईवे रहेगा अभी, टू लेन. इस रोड पे काफी ट्रक्स वगैरह रहते हैं, बहुत ट्रैफिक भी हो जाता है, तो आपको थोड़ा केयरफुली चलाना होगा गाड़ी को. ओवरटेक नहीं करने देते ये हेवी जो व्हीकल रहते हैं. ये एक फोर्ट है, अहमदनगर का फोर्ट है ये भी. अगर यहाँ पे भी आप आना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे भी आके विजिट दे सकते हो आप. एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और एक अट्रैक्शन है यहाँ पर का अहमदनगर. मगर हम जहाँ जा रहे हैं वो सलबत खान फोर्ट है. वहाँ पे थोड़ा हिल व्यू है और वहाँ से सिटी का एक अच्छा व्यू आता है, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं. यहाँ पे हम आ चुके हैं पहले, नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे आपको. ऐसे ड्राइवर्स भी है जो बीच बीच में आ जाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली चलाना है इस रोड के ऊपर गाड़ी को. मैंने अभी म्यूजिक सिस्टम का काम करवाया था और ये साउंड बहुत इरिटेट कर रहा है. मुझे लग रहा है ये थोड़ा लूज हो गया शायद, इसका ट्विटर प्लेसमेंट जो किया था उसने बंदे ने थोड़ा सा लूज हो गया, तो बहुत इरिटेटिंग साउंड आ रही है इसको. जाके इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे. वहाँ फोर्ट दिख रहा है ना, वहाँ पर जाना है हमें. ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पर जाना है हमें. उसका बहुत अच्छा एक व्यू है हिल्स पे, वो थोड़ा सा कर्वी रोड से उसके बहुत बढ़िया मजा आने वाला.
हेलो गाइज, हम पहुंच गए सलाबत खान टॉम्प पे। यहाँ पे आपको एक 20 रुपीज़ का पार्किंग फीस देना पड़ेगा। स्पेशियस ऐसी नॉर्मल सी पार्किंग है। ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिए। क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया और यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है। यहाँ से यहाँ पे छोटे से स्टॉल्स भी है, अगर आपको कुछ खाना वाना है तो उसके लिए भी है ना। क्या मिलता है यहाँ पे? कॉर्न्स मिल जाते हैं, बॉयल कॉर्न। काका के पास कॉर्न्स है, कॉर्न्स मिल जाते हैं आपको। चाय वगैरह तो नहीं शायद है, चाय भी। सी गाइस, हम वहाँ से आए, वो जो छोटा सा रोड दिख रहा है ना वहाँ से आए। नहीं है, अरे नीचे एक लेक भी है, छोटी सी मैन मेड लेक। ये क्या, ये तो तब नहीं था? तब भी था, ये था ही। अच्छा हाँ, क्या हम ये बता दो ना, फाइनली वी आर रीचिंग सलाबत खान फोर्ट। किसी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते। ये चल रहे यहाँ पे, ये एडी 1565 टू 1588 इतना टाइम लगा था इसको बनाने के लिए। यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल एक कम्युनिटी फीलिंग आ रही है। This tomb has 380 feet away from sea level and 700 to 800 feet away from city. इस टॉम को आप सिटी में से कहीं से भी और कोई भी एरिया से देख सकते हो, क्योंकि एकदम हाइट के ऊपर है, 700 टू 800 फीट ऊपर है, सिटी नीचे है, तो इस वजह से ये कहीं से भी विजिबल है। दिस लुक सो अमेजिंग, यहाँ पे मज़ा आ जाता है एक मतलब। चलिए ऊपर चलते हैं अभी यहाँ से जाने के लिए। ये आर्किटेक्ट उस टाइम में बनाया था ये सोचकर ही थोड़ा सा ये लगता है, या कैसे बिल्ड किया होगा इसको। ऊपर जाने के लिए बहुत केयरफुल जाना पड़ता है, एक टाइम में एक ही जा सकता है। दिस इज अ वेरी स्टीप स्टेयर, आपको बहुत केयरफुली चलना होगा ऊपर। This is the second floor. If you can see the city level view. This storm has an echo sound effect also. Cut kar do. This is the second floor. इसके ऊपर का जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है शायद। इसके ऊपर भी शायद एक फ्लोर है मगर वहाँ पे जा नहीं सकते, कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है।
इसका आर्किटेक्ट देखने जैसा है, मतलब एक अच्छा फील भी है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। एक एको भी बनता है यहाँ पर, एक एको साउंड भी आता है अच्छे से। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। इट्स सो डोप, सो कूल। दिस इज द एंट्रेंस फॉर थर्ड फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर ऊपर का, मगर ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बंद है, लॉक है, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। गोइंग डाउन स्टेयर्स, नीचे जा रहे हैं हम लोग अभी। क्या हो गया? सो ब्यूटीफुल। दिस इज आवर लोअर फ्रेंड्स। टॉम देखना हो गया है, बहुत अच्छा सा विजिट हो गया, मजा भी आ गया, इंजॉय भी हो गया। कितना टाइम क्या हो रहा है अभी? 1:30। इट्स ऑलमोस्ट 1:30। लंच का टाइम हो गया, अभी लंच करते हैं और फिर निकलते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा था? बढ़िया रहा आज, सलवार खान फोर्ट। नीचे एक मज़ार भी है जिनके लिए बनाया गया था, अभी शायद क्लोज है, मतलब जाने के लिए मना किया है अंदर, इसीलिए ऊपर से देख रहे हैं हम। अभी क्लीनिंग कुछ चल रहा है इनका शायद वर्क। नीचे उनकी मज़ार है यहाँ पर अंदर, ये ऊपर ये बना है। सनलाइट बहुत हार्श हो गई है। विजिट ये जी प्रभाकर सर है, इनका चैनल है ट्रैवल विद प्रभाकर। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, जो एफर्ट ले रहे हैं सर, टीचर है सर बाय प्रोफेशनल, मगर ट्रैवल के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है सर से मिलके, बहुत बढ़िया लगा। आप सभी मिलकर के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। चलिए थैंक यू, ओके, फ्यूचर में बिल्कुल जरूर ट्रैवल करते हैं साथ में। चलिए सर, ओके, हम निकल चुके हैं शरबत खान गाँव से, निकल चुके हैं हम अभी। एक प्रशांत जी यूट्यूबर है, ट्रैवल विद प्रशांत, बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, एक अच्छे यूट्यूबर है, वो भी काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं, टीचर होते साथ भी इतना दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं, और मेरे होम टाउन में ही रह रहे हैं। अब रास्ते तो आप देख ही चुके हैं आते वक्त कैसे थे रास्ते, बहुत सीनिक व्यू है, बहुत अच्छा है। अगर वन डे के लिए आप अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हो औरंगाबाद से यहाँ पर आके, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक मस्ट विजिट प्लेस तो नहीं बोलूँगा, मगर अगर आ रहे हो किसी काम से या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, तो एक मतलब इंजॉय कर सकते हो आप, एक पिकनिक स्पॉट बोल के भी आप इंजॉय कर सकते हो। हिस्ट्री भी है इसके साथ में जुड़ी हुई अपनी इंडिया की, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या जानने के लिए मिलेगा आपको कुछ। और प्लेस बहुत अच्छा है, व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का जो और वो अट्रैक्ट ये है कि मतलब कोई फीस वगैरह नहीं है अंदर जाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल टोटली, और व्यू काफ़ी अच्छे हैं, और क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे अंदर, जो एयर सर्कुलेशन बनाया है वो काफ़ी अच्छा है देखने के लिए, और आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है देखने के लिए कि उस टाइम में ये कैसे बनाया गया होगा, मज़ा आ जाता है देखने के लिए, काफ़ी इंजॉय हो जाता है। और अगर फ्रेंड के साथ आ रहे हो तो आप तो इंजॉय करोगे, हम मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया। अभी जा रहे हैं और खाना खाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत फेमस होटल है अहमदनगर का, उसका नाम है संदीप होटल, संदीप होटल है ना, ऐसे ही कुछ है, हाँ वहाँ पर जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, तो देखते क्या लंच वंच मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर निकल जाएंगे सीधा। और कोजागिरी पूर्णिमा भी है आज, हैप्पी कोजागिरी पूर्णिमा टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। लंच के लिए आ गए हैं, एक चिली चिकन हाफ तंदूरी और चिकन अंडी और बाजरे की रोटी ऑर्डर किया, चिली चिकन तो आ गए हैं, क्या डू सकते हैं आपको?
देख आगे की कैसे है फूड, कैसे हाउ वाज द फूड? बढ़िया, इट लुक डिलीशियस। देख दे अभी ट्राई करते हैं। चिकन तंदूरी है, देखते हैं अभी इसको खा के इसका टेस्ट कैसा है। चिकन चिली वो तो बेस्ट था, अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा है। डिलीशियस, ये चिकन अंडी है, बाजरे की रोटी और ये तंदूर रोटी। आकर बता दे आपको कैसा है टेस्ट भैया। हमें ना नींबू और वो ला कर दे देना थोड़ी एक्स्ट्रा। हाँ थैंक यू भैया। मैकडॉनल्ड्स इन अहमदनगर, बढ़िया। अच्छा था फूड, कैसा था? बढ़िया। इन वालुज इंडस्ट्रियल एरिया MIDC, यहाँ पे काफ़ी रश होता है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। किस्मत अच्छी है कि आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। फाइनली वी आर रीच माय होम टाउन, मैं आ गया अपने घर के घर पर। 1 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से। काफ़ी अच्छी ड्राइव थी, अच्छा ट्रिप था, एक्सप्लोर भी किया अच्छे से, मज़ा आ गया। टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 295 किलोमीटर, 7:23 हो गए मॉर्निंग में। 7 बजे ही निकले थे हम कुछ ऐसा, 7:30 को ही निकले थे मॉर्निंग में भी, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। एक शॉर्ट ट्रिप था, वीकेंड का 1 डे ट्रिप, मज़ा आ गया। चलो सी यू।